एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हमको पढ़ना है अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस चैप्टर का। ओके, तो आप देख रहे हो क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, ठीक है। और ये हमारे पार्ट 4 नंबर है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लास्ट वाला पार्ट है ये, ठीक है। लास्ट वाला मतलब चैप्टर है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो गाइस, न्यू इंडियन एरा आप देख रहे हो। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं मिल जाएंगी। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, आज हमें पढ़ना है बीजेटी के बारे में। बीजेपी नहीं, बीजेटी, ठीक है, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में देखना है। इसके पहले हमने डायोड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, आज हमें ट्रांजिस्टर के बारे में जानना है। बीजेटी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो गाइज, एग्जैक्टली जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे बीजेटी, ये क्या होता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो गाइज, इसमें होता क्या है जानते हो, ये भी एक तरीके का सेमी कंडक्टर का डिवाइसेस ही होता है, बट इसमें ना दो जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो समझेगा, बस आपको याद रखना है। गाइज, ये पूरा ट्रांजिस्टर का टॉपिक प्रैक्टिकल बेस्ड है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। मतलब पूरा ये चैप्टर एग्जैक्टली प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपने स्टार्टिंग से देखते आ रहे तो आपको मालूम ही होगा, पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर ही मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। सो गाइज, जो ट्रांजिस्टर है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, ओके। तो इसमें 2 जंक्शंस और 3 टर्मिनल होते हैं, और तो और अगर आपको बताऊं इसके अंदर जो अब देखो पीएन जंक्शन से ही बनेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन रहे या होल रहे, इसमें ऐसा केस होता है ना कि दोनों करंट को लेकर के चलते हैं, दोनों, चाहे वो कितना भी पीएन जंक्शन कोई भी इस्तेमाल करो आप, इसमें ना दोनों चाहे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करंट को लेकर के कैरी करते हैं और आगे चलते हैं, इसीलिए हम इसे बायपोलर कहते हैं। मतलब एक पोल इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, बट होल वाला भी हमारा इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है, तो बायपोलर जंक्शन इसमें हमारा होता है, ये बात आपको समझना है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, पार्ट नंबर 1 में बेसिक, जब मैंने बताया था कि होल हमारे पॉजिटिव होते हैं बिकॉज उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, और ये होल होते हैं बस पॉजिटिवली रहते हैं, पी वाले हमारे टाइप वाले सेमी कंडक्टर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे एन टाइप वाले में होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो बायपोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, और इसमें क्या होता है दो दो जंक्शंस और हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ओके। सो फाइनली गाइस, मैं आपको यही बताऊंगा इसमें कि जो हमारा सर्किट होता है, इसमें 2 टाइप के सर्किट है, एक NPN है और एक PNP है, 2 टाइप के सर्किट है। इसमें 3 मतलब अभी बताया 3 कनेक्शंस और हमारे 2 जंक्शन होते हैं। देखो हमारा यहाँ पे एक ये जंक्शन और एक ये जंक्शन, एक यहाँ से जाने वाला जंक्शन, यहाँ से एक आने वाला जंक्शन, तो ऐसे 2 जंक्शन और 3 यहाँ पे कनेक्शन है, पहला कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, देर आर 3 कनेक्शंस, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। तो गाइज, हमारे यहाँ पे 3 कनेक्शंस होते हैं और 2 जंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब कनेक्शंस फिक्स है, एमिटर कलेक्टर और बेस, ठीक है, ये हमारे 3 जंक्शन फिक्स है, यहाँ पर भी एमिटर कलेक्टर और बेस, ये भी हमारे 3 जंक्शन फिक्स है, फिक्स है तीनों जंक्शन। लेकिन ना रूल क्या है कि अगर हमारा पहला टाइप जो है NPN, इसमें हमारा एमीटर आता है अंदर की तरफ, एमीटर अंदर करंट लेकर के आता है हमारे जंक्शन में, और PNP में क्या होता है करंट जंक्शन से लेकर के जाता है एमीटर। तो एमीटर क्या करता है, जंक्शन से जब करंट को लेकर के जाए तो वो PNP है, और जब एमीटर जंक्शन में करंट लेकर के आए तो वो हमारा NPN है। दी इज द सर्किट सिंबल ऑफ BJT, बायपोलर जंक्शन, और हमारा जो भी ट्रांजिस्टर है वो। अगर मैं इसका सिंबॉलिकल अच्छे तरीके से बताऊं कि अगर आप एग्जाम में इसको ही बना सकते हो तो आप कैसे बनाओगे, देखो गाइस, NPN में पहले N है, फिर P है, फिर N है, और बीच में क्या है, P है हमारा, ठीक है, इस तरीके से कुछ सिस्टम रहता है। तो जो एमीटर है वो हमारे N के पास यहाँ पे कनेक्टेड होता है, और जो कलेक्टर है वो भी N है, और हमारा P मिडल में रहेगा, ये हमारा P टाइप है, और बाकी N टाइप सेमी कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, मतलब दीज आर दी NPN कंडक्टर या सेमी कनेक्टर या फिर रजिस्टर ट्रांजिस्टर कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे अमीटर पहले PP रहेगा, कलेक्टर और अमीटर दोनों P टाइप से बनेंगे, और हमारा बेस जो बनेगा वो N टाइप से बनेगा, सो दिस इज द PNP टाइप, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया। अगर एग्जाम में पूछेगा स्ट्रक्चर बनाओ NPN या PNP का, जो कि 2 टाइप की BJT होते हैं, यानी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो आप ये वाला बनाना जो कि 2 मार्क्स आपको दिलाएगा। और अगर आपको सर्किट के सिंबल पूछा तो आप सिंबल ये दोनों बनाना जो कि आपको 2 मार्क्स दिलाएगा, ये पक्का आते हैं। और अगर आपसे पूछ कि डायोड एनालॉगी बताओ,
मतलब कि एनपीएन में क्या होता है ये बताओ और पीएनपी में क्या होता है ये बताओ। तो यार एनपीएन चाहे वो पीएनपी हो, जो बेस है वो जंक्शन की तरफ करंट हमेशा लेकर के ही जाता है चाहे जो भी हो जाए। बट अगर मैं यहाँ पे एमीटर या कलेक्टर की बात करूं तो एनपीएन में चाहे एमीटर हो या कलेक्टर हो, दोनों के दोनों जंक्शन में करंट लेकर के आते हैं। ये हमारी हो गई एनालॉजी। और हमारे जो यहाँ पे पीएनपी में होता है क्या होता है, ये करंट को बाहर लेकर के जाता है और हमारे करंट को अंदर यहाँ पे बेस हमारा लेकर के आता है। तो ये हो गया हमारा पीएनपी एनालॉजी। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखनी है। अब मैं चलो टर्मिनोलॉजी के बारे में सब बता दूं कि ये एमीटर क्या है, कलेक्टर क्या है, बेस क्या है, ये सब यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। सीधा डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मैं इसकी नोट्स बनाऊं तो मैं ही खुद पागल कहलाऊंगा, बिकॉज यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने से आएगी तो उतना ही मुझे भी लिखना पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, सो एमीटर क्या होता है, ये एक थिक मतलब मोटा होता है। आप रियलिटी में यार इसे देखोगे ना तो आपको समझेगा अच्छे से, प्रैक्टिकल लगा रही है, मैंने पूरा पहले ही आपको बता दिया, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है भाई, ठीक है। तो अगर जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप प्रैक्टिकल जब आपके कॉलेज में करवाएंगे तब देखना, आपकी मर्जी, में आपका टाइम पास नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो जो एमीटर होता है वो बहुत ही थिक रहता है और हैवली डोप्ड लेयर होती है, पहली बात तो। और ये लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर करंट को क्या करता है, ट्रांजिस्टर से फ्लो करवाता है। एमीटर करंट को या तो लेके जाएगा या तो लेकर के आएगा, मतलब एमीटर से हमेशा करंट फ्लो होता है, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो आने के लिए हो फ्लो या फिर जाने के लिए फ्लो हो, कैसा भी हो। ना बेस क्या होता है, ये थिन और लाइटली मतलब बहुत ही कमजोर और पतला सा एक सेंट्रल लेयर होती है। आप देख सकते हो जो बीच वाली लेयर है वही हमारी यहाँ पे क्या है, ये आपको समझ के अच्छे से रखना है। ये हमारी क्या है, ये एक लेयर है जो सेंट्रल लेयर है, बेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और कलेक्टर क्या होता है, तो गाइस अगर कलेक्टर की बात करो तो ये हमारा एक बेस के दूसरे साइड में होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेस के दूसरे साइड में कलेक्टर होता है, ठीक है। ये कलेक्टर आखिर करता क्या है, ठीक है, तो ये थिक और मॉडरेटली डोप्ड, डोप्ड मतलब क्या होता है, इंप्योरिटी बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब मॉडरेटली हमारी डोप्ड होती है, ये बात आपको समझ के रखना है, ओके। और ये एमीटर से ज्यादा लार्ज एरिया को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है, पूरे ट्रांजिस्टर के डिवाइस में, ओके। और ये मेजर पोर्शन जो इसका रहता है ना, ये मेजॉरिटी कैरियर मतलब जो करंट होते हैं, ज्यादा पोर्शन इसका उसी करंट को फ्लो करने में लग जाता है। तो एमीटर और कलेक्टर दोनों करंट फ्लो कराते हैं और बेस जो है ये भी करवाता है, बट ये बहुत थिन और लाइटली होता है एज कंपेयर टू एमीटर एंड कलेक्टर, ओके। इतना आपको ध्यान देना है। फिर गाइस और टर्मिनोलॉजी सीख लो, जैसे कि डिप्लीशन लेयर क्या है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा मतलब एन टाइप है और यहाँ पे जो पी टाइप था हमारा, उसके जंक्शन के बीच में जो रीजन था उसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं। बट इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर हमको यहाँ पे समझना, जो एमीटर और बेस जंक्शन है या फिर बेस और कलेक्टर जंक्शन है उसके बीच में जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज दी आवर ट्रांजिस्टर और यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ रहा है, ये हमारा है एमीटर और इस तरीके से हमारा यहाँ से ये हमारा रहा, हमारा यहाँ पे क्या है कलेक्टर है और ये हमारा यहाँ पे बेस है, ऐसे हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। तो आपको मैं सिंपल बता दूं कि अगर मेरा एमीटर और ये हमारा बेस, सिर्फ इसकी बात करूं तो ये मेरा एक हो गया कौन सा, ये मेरा हो गया एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है। और दूसरा अगर मैं इसमें दो दो जंक्शन हो सकती हैं, तो और एक बेस और कलेक्टर जंक्शन, तो ये हो गया मेरा बेस कलेक्टर जंक्शन। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, मतलब जिसमें सिर्फ बेस और कलेक्टर की बात करो वो बेस कलेक्टर, जिसमें एमीटर बेस की बात करो वो बेस जंग और एमीटर जंक्शन, तो ऐसे आपको समझ के रखना है ना। व्हाट अबाउट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट क्या होता है, तो गाइस कभी भी एमीटर करंट में को हम आई पे दिखाते हैं, बेस करंट को आईबी पे दिखाते हैं, कलेक्टर करंट को आईसी से दिखाते हैं, जो कि हमारा इंडिकेटर था डायग्राम में, आगे चल के मैं आपको दिखा भी दूंगा, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हो। रेजिस्टेंस की बात करूं तो चाहे एमीटर जंक्शन हो, जो हमारा एमीटर और हमारा जो बेस का जंक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान देना, बीई वाला जो जंक्शन है इसमें बहुत ही लो रेजिस्टेंस रहता है, और अगर बेस और कलेक्टर की बात करूं इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि इट्स सो सिंपल, अगर मैं कलेक्टर और बेस की बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ये ट्रांजिस्टर की खासियत होती है, खूबी होती है। और अगर मान लो यहाँ पे एमीटर और बेस की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और तो और गाइस अगर आपसे बात करना चाहूं तो जो मेरा पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन किसी भी ट्रांजिस्टर का, तो एग्जैक्टली ये एमिटर बेस यानी कि जो पहला टाइप है एमिटर बेस और या फिर कलेक्टर बेस, इसी बेसिस पे ये बना होता है। और इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसमें करंट फ्लो करा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन मेथड भी बहुत सारे बायसिंग के इसमें होते हैं, मैं सारे सारे कॉमन मेथड आपसे अभी डिस्कस करूंगा, जितने भी कॉमन मेथड हैं इसमें, चाहे तो आप फॉरवर्ड बायस इस्तेमाल करो या रिवर्स बायस इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें दोनों ट्रांजिस्टर में आप बायस इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रांजिस्टर में यही इसकी खासियत। जैसे कि डायोड में देखो, हमने देखा था कि किसी में रिवर्स बायस, किसी में फॉरवर्ड बायस, बट इन द केस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर यू कैन यूज बोथ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं वर्किंग की बात करूं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, देखो कितना आसान है, ये सब स्ट्रक्चर है, इतना आपको याद रखना है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं ना वही आपका पॉइंट है एग्जाम में लिखने के लिए, समझ रहे हो। और मैंने पहले बोला ये सब थियोरेटिकल नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इतना तो आपको थोड़ा समझ के लेना ही पड़ेगा,
नहीं तो फिर जाओ करो कॉलेज में प्रैक्टिकल। अब मैं किसे कराऊंगा, इतने सारे इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं। अब नहीं तो मैं इतना एफोर्ड खुद करता तो मैं आपको जरूर प्रैक्टिकल दिखाता यार, बट थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर थोड़ा सा समझो यहाँ पे। देखो क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अपने ट्रांजिस्टर में जब से चिल्लाते आ रहे हो कि मेजोरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा होल भी इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ही है, तो इसीलिए मेजोरिटी होती है इलेक्ट्रॉन की हमारे ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो गाइस क्या होता है ना कि जो हमारा एमिटर करंट आई होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो एमिटर है वही इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों एन टाइप से, इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर से भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्यू इलेक्ट्रॉन ही हमारे बेस के पास होते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन हमारे बेस के पास होते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे किसके पास होते हैं, एमिटर या कलेक्टर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है। तो यहाँ पे हमारे कैसा भी जो करंट है वो फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, बिकॉज करंट यार दोनों तरफ से ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये बातें जो है ये अजीब है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से चारों तरफ से मतलब हमारा जो यहाँ पे करंट है वो अंदर की तरफ ही आ रहा है। यही बातें हमारी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं अपने आप में, ठीक है। सो यही बातें आपको समझ के रखनी है, और ये हमारा बेसिक फंक्शनलिटी या वर्किंग भी आप इसे कह सकते हो। तो बस आपको इसी चीजों को अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका केस यहाँ पे बन जाता है, ओके ना। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन से आप ट्रांजिस्टर को फिट कर सकते हो, है ना। मतलब ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जिसमें एमिटर कलेक्टर और बेस होते हैं, तीन चीजें तो होती हैं, तो और दो जंक्शन और तीन कनेक्शन, जैसे कि ये एक ये तीन कनेक्शन हो गए और एक हमारा यहाँ पे दो जंक्शन हो गए, ठीक है, एक ये जंक्शन हो गया एक ये जंक्शन हो गया। तो अब भाई इन्हीं जंक्शन जहाँ पे अटैचमेंट होता है वही जंक्शन कहलाता है। तो अब तीन से चार तरीके हैं भाई, पहला है कॉमन एमिटर, दूसरा है कॉमन बेस, तीसरा है हमारा कॉमन कलेक्टर, ठीक है। चलो अब इनको समझते हैं हम लोग क्या होता है। पहला हम देखने जा रहे हैं अपने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या कहलाता है, पहले हम इस चीज को समझेंगे। तो गाइस जो द एमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर होता है ना, ये हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों को यहाँ पे कॉमनली एक साथ लेता है। जैसे कि अगर एनपीएन में देखो तो कलेक्टर हो चाहे वो हमारा इमिटर हो, एक साथ वो क्या करेगा, इनपुट देगा और ये एक साथ आउटपुट देगा, मतलब कॉमन है, समझ रहे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा ही होता है। और चाहे तो आप पीएनपी भी यूज कर लो, आपकी मर्जी, तो कलेक्टर और यहाँ पे एमिटर दोनों एक साथ ही करंट को एमिट करेंगे और ये कलेक्टर करंट को कलेक्ट करेगा, तो एक साथ जिसमें इनपुट और आउटपुट एक साथ दोनों एक साथ होता हो, यही होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अगर मैं इसकी अच्छे से बात करूं और भी अच्छे से, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जानते हो क्या होता है, एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंडेड रहता है। मतलब ये आपका सर्किट है, आप इसे याद कर लो, ये है हमारा एक फंक्शनलिटी जिसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये हमारा इस तरीके से बेस है, यहाँ से हमारा करंट आ रहा है, यहाँ से हमारा देखो आईसी करंट आ रहा है और हमारे यहाँ पे देखो एमिटर का करंट बाहर जा रहा है, ये हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, बेस से करंट आ रहा है, यहाँ से हमारा मतलब कलेक्टर से करंट आ रहा है और हमारे एमिटर से करंट जा रहा है, और एमिटर से जाने वाला करंट हमारा आउटपुट करंट है, जिसे हमारा यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ने अपने पास रखा है, ये टोटल पोटेंशियल हमारा बाहर जा रहा है, इसी को आपको अच्छे से समझ के रखना है ना। और ये पोटेंशियल किसका है, हमारे कलेक्टर और एमिटर का, और ये पोटेंशियल जो हमारा यहाँ पे किसका है, ये हमारे नॉर्मली जो हमारा मतलब पोटेंशियल है उसमें से जो हमारा एमिटर वाले का पोटेंशियल है टोटल ये वाला हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ इसलिए अर्थिंग लगा के रखी, ये सिंबल अर्थिंग का दिखाता है। तो इतनी सी बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन देखो आईसी वाला करंट आ रहा है, आईबी वाला आ रहा है और आईई यहाँ से निकल रहा है, तो है ना तीन तरीके से यहाँ पे मतलब आईसी आने वाला। तो अगर मैं इसमें गाइस लगाऊं, अगर मान लो मैंने किरचॉप्स लॉ लगाया तो आने वाले करंट में हम माइनस देते हैं, तो मतलब यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से कि आने वाले करंट में क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस आईसी माइनस आईबी और जाने वाला करंट कौन है, आईई है, तो जाने वाले करंट में क्या हो जाएगा, प्लस आईई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईई इज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी, है ना, यही देखो लिखा हुआ है क्या। तो फ्रॉम द किरचॉप्स लॉ हमने यहाँ पे क्या लगाया, किरचॉप्स लॉ, और हमको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। और IE जो है ना गाइज, IE जो भी हमारा करंट है ये टोटल लोड रेजिस्टेंस इसे क्या करता है, अपने पास कैप्चर कर लेता है और वही मेरा टोटल आउटपुट करंट भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि आउटपुट पोटेंशियल ही है। बट फिर भी गाइज क्या होता है ना कि कभी कभार यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ करंट हमारे गेन होते हैं बाय सम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कुछ करंट वो गेन कर लेता है। तो जो करंट उसको गेन किया ना, उसी को हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। मतलब जितना भी करंट हमारे एमिटर ने खुद गेन कर लिया यार, क्योंकि एमिटर को भी वर्क करना है, तो खुद करंट कुछ यूज करता है ट्रांजिस्टर के अंदर, तो ये खुद जो करंट गेन करता है उसे हम कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। और जिसे हमने एक रेशियो से दिखाया है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को, बीटा डीसी आईसी अपॉन आईबी, मतलब कि यार हमारा आईई जो है उतना ही करंट एब्जॉर्ब करेगा जितना आईसी यानी कि कलेक्टर और आईबी यानी कि बेस
ने करंट को प्रोड्यूस किया होगा। अब आप ही बताओ कि लेके करंट कौन आ रहा है, आईसी और कौन आईबी, ये दोनों जितना लेके आएंगे उतना ही ना आई पे जाएगा, तो मतलब उतना ही करंट ये एब्जॉर्ब भी करेगा हमारा एमिटर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख के रखा है, बीटा डीसी इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी, दोनों का रेशियो। ऐसे हमारा अल्फा डीसी, यहाँ पे अल्फा डीसी जो है ये क्या है, यहाँ पे आईसी अपॉन आईई है। अब देखो डीसी बोल रखे रखा है ना, डीसी बोल के रखा है, देखो यहाँ पे आपको मैं डीसी दिखाता हूँ, यहाँ से जो भी हमारा सी है करंट, यहाँ से कितना करंट माइनस करो तो आपको यहाँ पे आईसी अपॉन आईई लिख के रखा है। तो यही बातें आपको यहाँ पे बता के रखी कि ये जो है आपका रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट, मतलब आपके कलेक्टर करंट ने कितना करंट रखा है, आईसी ने कितना करंट आपका रखा है। तो आईसी उतना ही करंट रखेगा जितना कि एमीटर लेकर के जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर करंट ही तो टोटल करंट भाई कैरी करता है। तो आईसी ने जितना कैरी किया और जितना हमारा आईई लेकर के जा रहा है करंट, जितना हमारा आईई करंट लेकर के जा रहा है उतना ही ना मेरा टोटल अल्फा रहेगा करंट। तो मैंने उसको अल्फा पे दिखा दिया, जो कि मेरा एक कलेक्टर ने जो करंट को कैरी करके रखा, तो मैंने उसको अल्फा पे दिखाया और इसको बीटा पे दिखाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन आप एक बार देख लो, ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आप थोड़ा फटाफट सॉल्यूशन देख लो, तो आपको यहाँ पे अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका सारा जो मतलब चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है। चलो अब अच्छे से यहाँ पे समझना थोड़ा सा, देखो हम ना यहाँ पे 16.2 और 16.3 तीनों इक्वेशन का यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपकी थोड़ा सा जो रॉन्ग लिख के रखा है, यहाँ पे 16.2 और यहाँ पे 16.3 आना चाहिए, ठीक है, आपकी बुक में गलत लिख के रखा है, क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया 16.1 का फिलहाल यहाँ पे इस कंडीशन में, फिर भी उसने यहाँ पे लिख दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। फिर भी चलो, तो 16.3 16.2 का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है, मतलब ऐसी वाली चीजें क्या है इस इक्वेशन में, ऐसी चीजें क्या है, तो हम इनको थोड़ा समझते हैं अच्छे से और फिर मैं आपको बताता हूँ सारी कंडीशंस एग्जैक्टली क्या है। अब देखो अगर मैं यहां से अपने आईसी की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आईबी और बीटा, आईबी बीटा मिलेगा मुझे आईसी की वैल्यू, ठीक है। और अब गाइस मैं आपको यहां पे बताता हूँ कि आप देखो आईसी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, मतलब यहां से आपको आईसी मिल गया, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, आईसी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लो, तो यहाँ से क्या मिलेगी आईसी की वैल्यू, यहाँ से आपको मिल जाएगी आईसी की वैल्यू आईई अल्फा, ये आपको मिल जाएगा, यानी आईसी हमारा इक्वल है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आईसी इज इक्वल टू आईबी बीटा इज इक्वल टू आईई अल्फा, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो जरा यही लिखा है क्या, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, आईसी की वैल्यू उसने निकाल ली ना। अब हम क्या करने वाले, अब हम सिंपल सा यार इस्तेमाल करेंगे अपने इस इक्वेशन का, 16.1 का इस्तेमाल अब होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, मतलब कि 16.1 आप इक्वेशन नंबर वन डाल देना। अब समझ रहे हो ना, इतना आसान है तो क्या के लिए मैं पूरा लिख के दिखाऊं जो चीज को आप इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 16.1 हमारा हो जाएगा। अब हम इसको समझने जा रहे हैं, देखना कितना आसानी से आपका कवर होने वाला है, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा डीसी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब कैसे आई ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो अभी अल्फा डीसी जो था हमारा, ये क्या था, अल्फा डीसी आईसी अपॉन आईई, फिलहाल ये एग्जाम में कभी आता नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे बताना पड़ रहा है, आईसी अपॉन आईई। अब देखो आईसी आईई की वैल्यू कितनी है, जरा यहाँ पे बताओ, आईसी प्लस आईबी है कि नहीं है, यहाँ पे डाल दो आईसी प्लस आईई, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आईसी देखो कितना है, आईसी कितना देके रखा है यार, देखो बीटा वाली वैल्यू लेके दिखाओ, बीटा के लिए सॉल्व करना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा आईबी आपको मिल जाएगा और अपॉन यहाँ पे क्या है, आईसी दिया हुआ है, आपको इतना समझ के रखना अच्छे से, ये आईबी है, ये आईबी है, ओके ना। आईसी और आईसी की वैल्यू कितना निकाला अभी हमने, ऊपर भी तो आईसी था, तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बीटा और हमारा यहाँ पे मिलेगा आईबी, ये हमारा मिलेगा आईबी प्लस यहाँ पे आईबी ना। अब मैं क्या करूंगा, हर जगह से आईबी नीचे से कॉमा ले लेता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, बीटा प्लस वन। अभी आईबी आईबी कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, ये देखो हो गया मुझे अल्फा डीसी, ये मुझे अल्फा डीसी मिल गया, देखो यही है मेरी वैल्यू, है ना। अब इसी तरीके से मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, तो इसको भी निकालने के लिए अभी क्या करूंगा, मैं बीटा का इस्तेमाल करूंगा। देखो बीटा की क्या दिया, आईसी अपॉन आईबी, यही वैल्यू देके रखी है। अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकालता हूँ, देखना ध्यान से अच्छे से, यहाँ बीटा डीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, क्या दिया हुआ है, आईसी अपॉन आईबी देके रखा है, तो आईसी अपॉन आईबी देके रखा है। अब आईसी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, तो मैंने निकाली थी अल्फा आईई, क्या निकाला था मैंने, अल्फा आईई। और आईबी की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना मिलेगा, आईई माइनस आईसी, यहाँ पे मिल जाएगा आईई माइनस आईसी। नाउ अभी अल्फा आईई तो आपके सामने है ही है, और यहाँ पे आईई की वैल्यू तो आपको कुछ नहीं कर सकते हो, बस आईसी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, तो अल्फा आईई आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप आईई आपके पास है ही, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, अल्फा और नीचे आईई का कॉमन ले लो, तो आपको वन माइनस अल्फा मिल जाएगा, आईई आईई कैंसिल और अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन आपको मिल गया। तो इस तरीके से गाइस आपको ये भी सॉल्व हो गया।
तो कितना आसान था ना, मतलब बहुत ही आसान है, बस आपकी बुक में ना शॉर्टकट कर देता है, वही थोड़ा सा दिमाग खराब करता है, बाकी कुछ नहीं, तो है ना आसान। तो गाइज ये था हमारा कॉमन एमिटर जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉमन बेस में क्या रहता है ना कि जो बेस रहेगा हमारा उसको हम मेन कॉमन मानेंगे और उसी को हम, उसी बेस को ही हम सर्किट को अर्थ से अपने कनेक्ट करते हैं। मतलब यार जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है वो दोनों बेस के थ्रू ही हमारा रहेगा, चाहे इनपुट दो या आउटपुट दो, दोनों बेस के थ्रू ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस बार हम बेस को प्रायोरिटी देंगे, पहले हमने एमिटर को दिया था, अभी हमने बेस को देंगे। तो मतलब बेस वाले में क्या होता है कि जो हमारा बेस है वो सब कुछ माना जाएगा, और बेस में से ही हमको इनपुट देना है, आउटपुट भी देना है, देखो उसको अर्थिंग भी हमने बेस को करके रखा है। जो ऐसी लाइन होती है ना ये अर्थिंग दिखाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसी आप कलेक्टर की बात कर लो, तो कलेक्टर में क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इस बार हमने कलेक्टर को सब कुछ मान के रखा, तो यहाँ पे देखो कॉमन बेस कलेक्टर में, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमने कलेक्टर को कॉमन माना। मतलब जो हमारा करंट है चाहे वो कैरी करे या एमिट करे, कलेक्टर ही सब कुछ करेगा। ये देखो कलेक्टर हमारा सारा का सारा जो हमारा करंट है उसको अर्थिंग में करके लेकर के जाएगा, तो कलेक्टर हमारा एवरीथिंग, उसको हमने कॉमन मान लिया। अब और एमिटर में एमिटर को माना था, बेस में बेस को माना था। तो इस तरीके के तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर के, ये एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एग्जाम में आएगा और तीनों में से कोई भी करने के लिए आप एबल रहने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आप सभी के लिए। अब गाइस थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अब आप बोलोगे एग्जैक्टली यार एम्पलीफायर क्या होता है। सो गाइस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में जो हमको समझना है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले बात भाई एम्पलीफायर क्या होता है। तो हमने एम्पलीफायर का नाम सुना है कि ये एम्पलीफाई कर देता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि सपोज अगर मेरा एसी करंट ऐसे जा रहा है तो ये नॉर्मल करंट होगा, अगर मैं इसको एम्पलीफाई करूंगा तो क्या होगा, इसकी एम्पली जो फाय होता है ये मतलब हमारा देखो इस तरीके से एम्पलीफाई हो जाएगा। मतलब यार जो इसका मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है, यानी जिसकी इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हमारे पास बन के आती है। मतलब समझ गया होगा कि अभी आपको एम्पलीफायर में क्या होता है। तो एम्पलीफायर मतलब जिसके एम्पलीफिकेशन को या एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, चाहे वो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो या करंट का हो या पावर का हो, किसी का भी एम्पलीट्यूड रहने दो, वो सभी का मतलब हमारा जो एम्पलीफायर होता है उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। एंड दिस इज द ट्रांजिस्टर सर्किट, बहुत प्यारी सी सर्किट है, आपको याद करनी है। मालूम है ना सर्किट याद नहीं रहेगी तो कुछ याद नहीं आएगा आपको, कुछ आएगा ही नहीं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, बिना सर्किट याद किए आप कुछ नहीं सीख पाओगे। वाह, मैंने आपको पहले ही चैप्टर में पहले मतलब ये चैप्टर के पहले ही पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि विदाउट सर्किट तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब आप जीरो हो। मैं पहले बता रहा हूँ, हीरो बनना है तो कुछ करना है। देखो ये हमारा है यहाँ पे कलेक्टर, ये हमारा एमिटर, ये हमारा बेस है, ठीक है। हमारा आईसी करंट जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर पे आ रहा है, आईई हमारा गया इमीटर में से, आईबी करंट हमारे बी बेस पे आ रहा है, ठीक है। आरएल जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे आईसी करंट लोड रेजिस्टेंस में से होकर के जा रहा है, ये हमारा जो पोटेंशियल है वो हमारे एमीटर और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल है। ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, वी इन मतलब इनपुट वोल्टेज है, वीबीई मेरा जो है ये हमारा पोटेंशियल है बिटवीन द एमीटर एंड बिटवीन द बेस, इतना आपको याद रखना है। दिस इज द अर्थिंग टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है ना। अब हम ये सर्किट बार बार दिखाएंगे आपको, डोंट वरी, बट आपको यहाँ पे सब कुछ समझते जाना है। वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है हम पहले ये जानते हैं। कुछ आपको यहाँ पे बस सर्किट याद है तो सब ये समझेगा, वरना कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। देखो पहले तो भाई क्या होता है ना कि हमको यहाँ पे एक आउटपुट लूप को कंसिडर करना है पूरा। देखो यहाँ पे लूपिंग सिस्टम चल रहा है, लूप होता है ऐसे, तो पूरा आउटपुट यहाँ पे लूप है। अगर हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, देखो आपको एकदम अच्छे समझना है। हमको एक ऐसे पोटेंशियल को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे मतलब कलेक्टर करंट में हमारा एक ऐसा पोटेंशियल आता हो, जिसको हम कह सकते हैं कि VCC जो कलेक्टर करंट में हमारा पोटेंशियल आ रहा है वो इज इक्वल टू हमारा किरचॉफ्स करंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया VCE जो कि हमारे कलेक्टर करंट और हमारे एमिटर करंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो, और हमारे यहाँ पे ICRL टोटल वोल्टेज ऑन दी वायर यानी कि लोड रेजिस्टेंस और हमारा करंट, V इज इक्वल टू क्या होता है IR रहता है, तो ये हमारा यहाँ पे ICR आ गया, ठीक है। ये आपको इतना समझ के रखना है। सिमिलरली अगर मैं इनपुट लूप की बात करूँ, इस साइड की बात करूँ, अभी तो ये आउटपुट लूप था इस साइड वाला, अभी मैं इनपुट लूप की बात करता हूँ इस साइड, तो अगर मैं इनपुट लूप की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो मेरा टोटल करंट जो बी मतलब बेस में आ रहा है, तो बीबी तो VBB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कहाँ से बी में आ रहा है बेस में, तो ये हमारे एमिटर वाले से आ रहा है, मतलब VBE यही पोटेंशियल से आ रहा है ना, तो VBB इज इक्वल टू VBE और प्लस
टोटल बेस में ही कितना करंट आ रहा है, तो वो हमारा हो गया IBRB, वेयर RB इज हियर एंड IB इज हियर, दोनों का पोटेंशियल सेम इसी फॉर्मूला से हमको यहाँ पे मिल गया। ये दोनों आपको इक्वेशन जो भी नाम देना है दे दो, तो इस इक्वेशन को क्या नाम दूँ वो सीरियल, ठीक है। तो इतना आपको समझ के रखना है, जो नाम देना है दे दो। नाउ गाइस, जो मेरा VI है ये एक स्मॉल करंट है जिसकी वैल्यू आप जीरो तो नहीं ले सकते हो, बट कभी कभी आपको लेनी भी पड़ेगी। एक AC सिग्नल जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो जस्ट एक स्मॉल सा आपका मतलब पोटेंशियल ये VI, इतना आपको समझना है, जो कि आपके VBE के साथ काम करता है। अब देखो VI क्या है, यहाँ पे IBRB आपका VI हो गया, और अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो यहाँ से आपको देखो थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं करना है, आपको हल्का सा दिमाग आपका सब कुछ काम करके देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो IBRB आपको ऑलरेडी पता ही है, और यहाँ से अगर आप मैं VBI की वैल्यू फाइंड करूँ, जो आपके पास VBE है इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ, तो आपको यहाँ पे VBE की वैल्यू यहाँ से मिलेगी VBB माइनस IBRB, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आपका नया इक्वेशन बन गया। सिमिलरली गाइस, अगर मैं सिर्फ VI की बात करूँ तो हमारा जो 16 पॉइंट जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे करंट IB जो हमारा, तो VBE की जो वैल्यू है हमारी, VBE की जो वैल्यू है, ये वैल्यू टोटल कितनी मिली, IBRB यहीं से निकाला था ना, यही वैल्यू देखो मेरे VBE की वैल्यू है, यही वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको अच्छे समझना है, ध्यान देना, अगर मेरा रेजिस्टेंस जो है अगर वो खत्म हो जाए, या फिर मेरा मान लो RB मेरा कुछ नहीं है, जीरो है, मतलब जो मेरा यहाँ पे RB है रेजिस्टेंस RB, अगर मैं इसको जीरो समझूं तो अगर मैं यहाँ पे या फिर बहुत ही स्मॉल समझूं, मतलब मैं रेजिस्टेंस अच्छा आउटपुट मिले उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा ना, तो RB की वैल्यू अगर मैं कम समझूं तो मैं यहाँ पे RB की जगह मैं जीरो रख सकता हूँ, तो मुझे डेल्टा IB और यहाँ पे RI ये इक्वेशन मिल जाएगा, विच इज इक्वेशन ऑफ दी VI, जो कि मेरा एक नॉर्मल ऐसे ही मतलब एक वोल्टेज है जिसका मतलब वैल्यू होती है VI इज इक्वल टू RB IB, ठीक है। इतना आपको समझ के रखना है, बस कुछ नहीं, पूरा सर्किट का कमाल है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर चेंजेस इन द बेसिस ऑफ द करंटेस की बात करूं तो मतलब देखो अब चेंज हो रहा है तो हमको करंट गेन की बात करनी पड़ेगी, तो करंट गेन कितना यहाँ पे IC/IB, अभी इसके पहले ही हमने देखा था जहाँ पे β AC = IC/IB होता है, सो इसी इक्वेशन को सेम हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारा मेन रेजिस्टेंस था वो जीरो था, तो हम VCC वाले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, VCC वाले का, और इसको सबको इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। जब इसको जीरो के साथ करेंगे तो VCE की वैल्यू हमको मिलेगी -RLC, क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, VCE की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। नाउ VI = δVCE होता है, और यहाँ पे β AC और RL δAB यहाँ से वैल्यू आपको आ गई है वाली। नाउ अब अगर मैं एवरेज करंट की बात करूँ तो टोटल कितना इनपुट आउटपुट है, टोटल कितना इनपुट है, V0 इज द आउटपुट एंड VI इज द इनपुट। तो अभी V आउटपुट जो है δVCE आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे है आपका V0 आपका ऐसे यहाँ पे देखना है, और VI आपको कितना मिला है यहाँ पे, VI आपका RI δIB देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा VI, तो इस वैल्यू को आप फटाक से यहाँ पे डाल दो RI δIB, और इन दोनों वैल्यू को जब डालोगे तो आपको यहाँ से निकल जो आपका मिलेगा वोल्टेज कितना गेन हुआ, जो एवरेज वोल्टेज आप इसे कह सकते हो कि वोल्टेज कितना गेन हुआ, वो आपका एवरेज वोल्टेज है, ये माइनस साइन के साथ आपको मिल जाएगा। δVCE की वैल्यू यहाँ पे डालो ना, βDΔAC RL IB कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ RI बचेगा। मतलब देखो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ से δIB कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ RL δB यहाँ पे β AC ही सिर्फ बचेगा माइनस साइन के साथ। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो हमारा आउटपुट है वो किसी भी वोल्टेज का वो इनपुट वोल्टेज से आउटर फेज में जा रहा है, मतलब कि यार आउटपुट जो हमारा है वो हमारे ट्रांजिस्टर को छोड़ करके बाहर जा रहा है, इसीलिए वहां पे निगेटिव साइन दिखाया हुआ है। तो आउटपुट तो बाहर ही जाएगा ना यार, वो तो कोई भी बच्चा ही बता देगा, तो आउटपुट तो बाहर ही जाना है, तो वही निगेटिव साइन इंडिकेट करता है और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये था ट्रांजिस्टर, कभी आज तक के पेपर में ये ट्रांजिस्टर का ये कुछ नहीं आया है, ये आपको अभी नहीं भी समझेगा मुझे मालूम है, और इसका कोई यूज भी नहीं है, किसी एंट्रेंस में भी इससे एग्जाम में नहीं आता है, इवन ये भी आप याद रखो। उल्टा ना गाइज, आपको अगर बताऊं मैं तो एग्जैक्टली अगर इसकी बात करूं तो आपको डिग्री वगैरह लेवल में जाओगे जब आप बड़ा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना ट्रांजिस्टर आपके हाथ में, जब ट्रांजिस्टर रियल में आएगा और एमिटर कलेक्टर और बेस जब आप देखोगे रियलिटी में, तो ये एक झटके में आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, बट थियोरेटिकली पढ़ना थोड़ा सा थोड़ा ऐसा हो जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वाला पार्ट, इसके बाद वाला लास्ट पार्ट लॉजिक गेट के ऊपर आएगा, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है लॉजिक गेट, और वहां से क्वेश्चन 3 मार्क्स का एग्जाम में पक्का बनते ही बनते हैं। तो मिलेंगे अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।